कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों अब आप लोगों को ब्लॉग लगातार मिलने वाला है क्योंकि अब सत्येंद्र आपका जो है एक्टिव हो चुका है। देखिए पीछे किट्टू यादव हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं ब्लॉगिंग करने, और ब्लॉगिंग नहीं रिपोर्टिंग करने, सॉरी। तो अभी हम लोग जाने वाले सरासत गाँव, या पीछे जो आपको गाँव दिख रहा है नहीं, कौन सा गाँव? हाँ, ये जो गाँव दिख रहा है ना, ये सब ये पिछवा में ये है कालापुर, धोबिया कालापुर नौबतपुर का। और यहाँ से हम लोग चलने वाले हैं सरासत। तो इस बीच में जो भी गांव होंगे वो हम लोग कवर करने वाले हैं, उसके बाद कैसे हम लोग रिपोर्टिंग करेंगे वो भी इस ब्लॉग में हम दिखाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और किट्टू यादव ये हैं, ये भी अभी रिपोर्टिंग से कुछ बोलना चाह रहे हो, बोल दो कुछ। चलिए नहीं कुछ बोलेंगे तो चलिए ब्लॉग को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका कालापुर, धोबिया कालापुर गाँव, और ये है धोबिया कालापुर का सूर्य मंदिर। तो यहाँ से हमारे किट्टू बाबू जो है चलाएंगे। हेलमेट नीचे रखे हुए हैं, आप लोग कमेंट मत कीजिएगा। तो चलिए अब चलाना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद कौन सा गाँव आएगा इसके आगे? तिसखोड़ा। तो चलिए, तो देखिए क्या मनोरम दृश्य है। और इधर देखिए ये है कालापुर से सटे कौन सा गांव? उदयपुरा, उदयपुरा है ये, और छोटा सा टोला है मान के चलिए। और इधर हम लोग जा रहे हैं तिसखोड़ा। तो थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं, हमारे किट्टू बाबू चला रहे हैं। काफ़ी मनोरम दृश्य है, बारिश का मौसम है, कब बारिश आ जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, समझे। इधर देखिए इधर हरा में पानी भी है, बारिश का भी डर लग रहा है, बैग वैग भी नहीं लिए हुए हैं, छाता है। और इधर आप देख सकते हैं कि चाचा जा रहे हैं, देख रहे हैं कि ब्लॉगिंग हो रहा है। इधर देखिए धान रोपनी पूरा लगा हुआ है, चारों तरफ आप देख सकते हैं धान रोपा रहा है, एकदम टकटक धान रोपा रहा है। तो इधर बारिश पानी भी अच्छा खासा है। और कुछ ही देरों में हम लोग जो है कहाँ पहुँचेंगे? तिसखोड़ा। आप देख सकते हैं इधर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलना। देखिए चाचा यहाँ से पानी अपने खेत में घुसा रहे हैं, आए हैं। ये देखिए ये दृश्य आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ये पहले के ज़माने में ज़्यादा ही अहरी से खेत में पानी डाल रहे हैं क्योंकि पानी जो है खेत में नहीं पहुंचा। ये है तिसखोड़ा गांव। अगर आप लोग तिसखोड़ा से हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि नौबतपुर का सबसे खूबसूरत गांव है। और ये देखिए क्या वादियां हैं, पेड़ हैं, और बारिश का मौसम है। और ये देखिए बगुला, जिसे आप लोग देहाती में बगुला कहते हैं, ये है बगुला। तो बगुला काफ़ी ये बरसात में देखने के लिए मिलता है। चलिए आपको तिसखोड़ा गाँव का दृश्य भी हम दिखाएँगे। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये है तिसखोड़ा गांव, देखिए कितना खूबसूरत गांव है। लालू यादव को उधर से आएंगे तो बुलाएंगे हम लोग क्या? ये चाचा देखिए टोका फंसा रहे हैं, ये बहुत कम दृश्य आपको मिलेगा। ये कौन सा मंदिर है? हनुमान क्या? ये हनुमान जी का मंदिर है तिसखोड़ा में, और ये देवी स्थान है शायद। देखिए जय बजरंग बली। और इतना दूर रास्ता जो है ख़राब है, छोड़ा गया है पता नहीं क्यों, गाड़ी भी बंद हो रहा है, इसके बाद अच्छा रास्ता है। ये देखिए अभी ये गांव में हम लोग घुस चुके हैं, तिसखोड़ा गांव। कहाँ पे? हाफ पैंट पे आ चुका है, हाफ पैंट पे आया है, बहुत अच्छा लग रहा है। यही खंडर में ज़्यादा ये वीडियो बनाता है, तिसखोड़ा का एक खंडर है, और ये पंजाब नेशनल बैंक है यहाँ पे। तो अभी ये छपड़ी चलाएगा बाइक, और ये तिसखोड़ा गाँव है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या है इसको बताओ तो थोड़ा सा इसके बारे में हमको। बरका दुरा है। अच्छा, तिसखोड़ा का है। अच्छा, ये बरका दुरा है, छोटका दुरा कोई कहे तिसखोड़ा में, ताकि यहाँ बरका दुरा घूम लीजिएगा, ठीक है ना? ये तिसखोड़ा गांव है, अंग्रेज के यहाँ शासन चलता। तो काफ़ी खूबसूरत गांव है, आप लोग अगर तिसखोड़ा से तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ये देवी स्थान है, और इससे कहेंगे कि शेयर कर देना, ठीक ना? अहरी रास्ता है आप लोग। तो ये है सरासत गांव, कितना खूबसूरत है। और आगे हमारे अमर सर का घर है, अमर सर होंगे तो उनसे मिल भी लेंगे। ये है सरासत, काफी खूबसूरत गांव है। अगर आप सरासत हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इसके आगे भी हम दिखाएंगे। अभी हम सरासत गांव पहुंच चुके हैं, और बारिश भी हो रहा है, तो हल्का हल्का भींग भी गया है। और इधर किट्टू है, माइक भी लिए हुए, अब अभिषेक का इंतजार कर रहे हैं, यहीं पर रिपोर्टिंग होगा। अब देखिए किसका होता है पकवान टोली में यार।
देखने वाली बात होती है, तो आने के बाद देखा जाएगा हमारे पास अलग अलग है, तो यहाँ पे देखा जाएगा कि किसमें करेंगे। ब्लॉग के लास्ट तक बने रहिएगा, इसके बाद थोड़ा सा और हम आप लोग को दिखा देंगे, बाकी गाँव का ब्लॉग दिखाना ज़्यादा मकसद था। चलिए अगले ब्लॉग में मिलते हैं। देखिए यहाँ पे अभी जो एक रील बनाए थे उसका जो है एडिटिंग कर रहा है, कौन सी से एडिटिंग करते हो? VN से करता है। और है टाइम मास्टर। अच्छा तो क्या कहना चाहते हो, जो अगर कोई एडिटिंग करवाना चाहे तुमसे तो फटाफट बोलो। फ्री में भी कर सकता है, एक मेरा वीडियो एडिट किया है साथ में का, वो हम आपको स्क्रीन पर लगा देंगे कैसा एडिट करता है देख लीजिए। क्या इधर माइक मेरा भींग रहा है, देखिए बाइक कितनी मेरी बसंती जो है भींग चुकी है। अब अभिषेक का इंतजार कर रहे हैं सामने, कुछ है सर का बउआ है, अगर आपके घर का कोई बउआ है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा है देखिए हेट के चल रहा, अगर आपके काफ़ी देर से वेट कर रहे थे तो ये है अभिषेक, इसका ये बाइक तो आप देख ही रहे हैं। TA का है रिपोर्टर, दन्नो TA का रिपोर्टर है, अब आ चुका है। देखिए कितना धूप भी हो गया है, बारिश में भींग के हम लोग सूख चुके हैं। और इधर देखिए सरासत के लोग हैं, और यहाँ देखिए ये मूर्ति जो है ये जो तोड़ दिया गया था असामाजिक तत्वों के द्वारा, लेकिन नया जो है मूर्ति बन चुका है, एक ऊपर में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रिपोर्टिंग करने आए हैं, और कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं, सुंदर भाई को सपोर्ट कीजिए और इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बस यही कहना चाहेंगे। बाकी अच्छा अच्छा कंटेंट लाते ही रहते हैं, जहाँ जाते हैं मज़ेदार ब्लॉग बनाते ही रहते हैं, बाकी आप लोग देख ही रहे हैं सब चीज़, आप लोग से छिपा हुआ थोड़े ना। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग रिपोर्टिंग करेंगे, हाँ वो दिखाते हैं आप। देखिए इधर हमारे किट, अरे माइक को सब गिरा, अरे गिर जाएगा इधर। रिपोर्टिंग हो गया समाप्त, और हम लोग अभी आराम कर रहे हैं मैदान में, चिल कर रहे हैं ये नदी के, और इधर और एडिटिंग समाप्त हो गया, मतलब एडिटिंग कह रहे रिपोर्टिंग, तो थोड़ा जो है वीडियो हम डाल देंगे हम लोग जो रिकॉर्ड किए हैं, और बाकी अब हम लोग घर जाएंगे, एक आध दो और वीडियो देखते हैं होता है तो, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर घर निकल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग कमेंट आएंगे, लगातार ब्लॉगिंग हो रहा है। देखो पटना के ब्लॉक में जा रही है, उसके बाद अभी अब यहाँ पर लोगों से जानने आए हैं कि क्या चल रहा है, मैंने सब लोग जैसी बात कर रहा था जरूर करें।